A point moves such that its distance from a fixed line AB is always the same. What is the relationship between AB and the path traveled by P? So point हम लोगों का P है. Point P should be here. और आपको एक given line दी गई है AB. And since it is a line, then it should be infinite in length. और कहीं भी हम लोग point P ले ले रहे हैं. अब इधर ले रहे हैं तो ऊपर ले रहे हैं तो भाई नीचे भी हम लोग ले सकते हैं उसी पॉइंट को. मैं फिर से P नहीं लिख रहा हूं. तो ये चाहते हैं कि डिस्टेंस सेम हो. तो आप देखिए भाई, अगर कोई डिस्टेंस यहां पर d डिस्टेंस है तो यहां पे भी d डिस्टेंस होगी, यहां पे भी d डिस्टेंस होगी. तो पॉइंट P क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर देगा ऊपर. उसी तरह पॉइंट P क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट कर देगा नीचे. तो यही लॉजिक रहेगा हमारा. और यहां पर जो हमारा लोकस है वो कुछ ऐसा आ जाएगा. सो समवेयर हियर इज द पॉइंट P. और फिर मैं इधर भी बनाए दे रहा हूं. अगेन वी आर रीनेमिंग इट इज एज पॉइंट P. थोड़ा सा अलग शिफ्ट करके बनाया है, सेम लाइन में भी बना सकते थे. So this is one line and this is another line. तो ये दोनों मिलकर हमारा locus construct कर रहे हैं. Diagram बनाना बच्चों locus के problem में बहुत जरूरी होगा, क्योंकि diagram देखकर ही examiner आपको full marks दे देगा. So this is the line which is telling the distance. Distance भी question में mention नहीं की है, मतलब d है या b है, तो वो इसीलिए मैं फिक्स्ड डिस्टेंस कुछ भी आप ले सकते हैं. तो इसलिए उसे ओपन एंडेड रखते हैं. यहां पे कुछ लिखा नहीं मैंने. और आपकी बुक में स्टैंडर्ड लोकस दिए हुए हैं, करीब 13 स्टैंडर्ड लोकस उन्होंने लिस्ट डाउन किए हैं. उनमें से एक क्वेश्चन, एक जो केस है वो इस क्वेश्चन से मैच करता है अपने पास जो क्वेश्चन है. ठीक है, तो उसी की लैंग्वेज को मैं कॉपी कर रहा हूं. द लोकस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये बार बार यूज होगा इस तरह के स्टैंडर्ड में. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ अ पॉइंट विच इज एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन लाइन, गिवन स्ट्रेट लाइन बल्कि, कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द given line and at a given distance from it. तो distance तो यहां पे दी नहीं हुई है, तो हम लोग कुछ भी distance यहां पे assume कर लेते हैं. और यहां पे इसीलिए मैंने कुछ लिखा ही नहीं है फिर. okay. और बस तो ये आपका मतलब स्टेटमेंट है, ये डायग्राम है, मतलब ये रीजन है कि हम भाई इसको यूज कर रहे हैं. इसके बाद हम लोग सीधा रिजल्ट लिख सकते हैं. द पेयर कंसिस्ट देयरफॉर, द पेयर, द इनफैक्ट द पाथ कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस, pair of straight lines parallel to AB. अब AB हम mention कर सकते हैं क्योंकि AB question में दिया हुआ है. अब असली में बच्चों इस question को solve करने के लिए हम लोगों को distance देखना पड़ेगा, मतलब कैसे सच में solve करने का तरीका होता है. Point हम लोग ले लेते हैं H, K, और ये distance D लेते हैं.
और यहाँ पे जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और फिर उससे पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ जाती है। बट ये सब चीज आपको क्लास 10th लेवल पे नहीं पढ़ना है, आपको 11th या 12th में ये मिल जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग इसे स्टेटमेंट वाइज ही आंसर लिख देंगे, और एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो बस दिस मच राइटिंग इज एनफ। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा आपको, क्योंकि भाई यहाँ पर कुछ सॉल्विंग हुई नहीं, और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो सॉल्विंग करना पसंद करते हैं, बट लाइफ इज टफ, ऐसे ही यहाँ पर करना होगा। ओके, और सो दिस इज द फाइनल आंसर, और इसी को मैं ब्लॉक कर देता हूं, रेड से ब्लॉक बना देता हूं यहाँ पे। सो दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IITians.